hello friends so now today we are studying about the tissue system so now in this topic plant tissue and anatomy the next topic will be the tissue system so now in the plant there are two type of tissue systems are present plant type kind of tissue system present hai? two types first one is a epidermal tissue system and ground tissue system

सेकंड इपिडरमिस को कवर करने वाला क्यूटिकल थर्ड ट्राइकोम्स फोर्थ रूट हेयर्स एंड फिफ्थ वन इज अ स्टोमाटा ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द इपिडरमिस दे आर इंक्लूडिंग इपिडरमल टिश्यू सिस्टम तो वन बाय वन देखते पहला कौन सा है इपिडरमिस सो वॉट इज इपिडर इपिडरमिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेर तो यहां पर मैं डायग्राम निकल रहा हूं प्लांट की जो ग्रीन से ही निकल रहा हूं नाउ दीज आर द इपिडरमिस बीच में जो है दीज आर द ग्राउंड टिश्यू

आउटर मोस्ट ओके नाउ दियर मेडअप ऑफ वन सेल थी कैसे वन सेल थिक मेडअप ऑफ पैरिंगमेडस सेल सो इट इज मेडअप ऑफ पैर इनका सेल सो इमिज प्रोटेक्टिंग लेर यह क्या करता है इनर सेल को टिश्यू को क्या करता है प्रोटेक्ट ओके okay? और किससे बना है दीज आर दिंगल लेयर मेडअप ऑफ पैरिंगमेडस सेल So, ये हो गया आपका एपिडर्मिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्यूटिकल सो ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है दीज आर द क्यूटिकल नाउ क्यूटिकल इज प्रेजेंट अबाउ द इसके किसके अबाउ प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट अबाउ द एपिडर्मिस। इट इज अडअप ऑफ वैक्सी कोटिंग किससे वैक्स से वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्यूटिकल क्यूटिकल फंक्शन क्या है जो इपिडिस के ऊपर प्रेजेंट है इट आर वैक्सी कोटिंग, इट प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू नाउ इट प्रिवेंट अ ट्रांसपेरेशन रेट जो ट्रांसपेरेशन डायरेक्टली होगा उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है क्यूटिकल तो मेन फंक्शन इज प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉटर प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉटर

सेकंड क्यूटिकल क्यूटिकल इज कोटिंग प्रेजेंट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज करता है मगर कम होता है थ्रू द क्यूटिकल नाउ द क्यूटिकल के बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वन इज सो व्हाट आर द ट्राइकोम्स आप लोगों ने किसी भी प्लांट को ऐसे छोटे छोटे हेयर देखे होंगे दीज आर कॉल्ड ट्राइकोम्स तो थोड़ा मैं कट कर देता हूँ कुटिकल नाम सब सो ट्राइकोम्स आर द आउट ग्रोथ इपिडरमल आउट ट्राइकोम्स आर द इपिडर्मल आउटग्रोथ। ग्रोथ दीज आर द ट्राइकोम्स दीज़ आर द इपिडरमल आउटग्रोथ प्रेजेंट अबाउट द इपिडर्मिस प्रेजेंट अबाउट द इपिडर्मिस दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर किसी किसी के प्लांट में कैसे रहते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दे आर स्टिफ और पॉइंटेड कैसे रहते स्टिप एंड पॉइंटेड इन सम प्लांट सम प्लांट में कैसे स्टिफ काटे जैसे लगते हैं स्टिफ एंड पॉइंटेड ओके यूजली दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दे आर ब्रांच और अनब्रांच किसी किसी प्लांट में कैसे रहता है अ ब्रांच स्ट्रक्चर रहता है ओके ब्रांच और अनब्रांच दे आर पॉइंटेड और हेयर लाइक्स सॉफ्ट ओके तो वापस ट्राइकिम ट्राइकोम के बारे में देखेंगे दीज आर द आउट आउटग्रोथ हम लोग क्या बोलेंगे इसको दे आर आउटग्रोथ दे आर आउट आउटग्रोथ दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ब्रांच और अनब्रांच ब्रांच और अनब्रांच ब्रांच रहेगा यहां क्या रहेगा ब्रांच और अनब्रांच दे आर स्टिफ और पॉइंटेड स्टिफ एंड पॉइंटेड किसी किसी में स्टिप और पॉइंटेड रहता है किसी में कैसे रहता है समटाइम दे आर हेरी समेर मेन फंक्शन क्या है ट्राइकोम का ट्राइकोम प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन रेट ट्रांसपीरेशन यह इवेपोरेशन से बचाता है प्लांट को सो इट प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन तो यह हो गया आपका ट्राइकोम्स ओके तो हम लोगों ने इपिटर देखा ट्राइकोम नेक्स्ट वन इज द रूट हेयर रूट हेयर तो यह मैं डायग्राम कट कर देता हूं ओके ना हो द रूट हेयर्स ये भी ग्राउंड टिश्यू निकाल देता हूं

तो किसका प्रोलॉन्गेशन है दीज आर द प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपी डर्मल सेल सो रूट हेयर्स आर द प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपीडर्मल हेयर्स दे आर ट्यूब्युलर कैसे रहता है ट्यूबुलर कलरलेस अनब्रांच इपिडरमल आउट ग्रोथ इपिडरमल रूट आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेन फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब मैक्म अमाउंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल तो रूट हेयर का स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे निकाल सकते बेटर रहेगा लार्ज वैक्यूल्स यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए न्यूक्लियस एंड दिस वन इज अ साइटोप्लाज्म सो रूट हेयर इज अ एपिडर्मल आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द प्लांट रूट इट इज अ अनब्रांच यूनिसेलुलर प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल इट इज अ ट्यूबुलर कलरलेस इट हेल्प टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओके तो ये हो गया आपका रूट हेयर्स फोर्थ इपिटर्मल आउट ग्रोथ ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टोमाटा हम लोग जाएंगे अभी स्टोमाटा कट कर देता हूं यहां पर नेक्स्ट वन इज अ स्टोमाटा स्टोमाटा आर द माइन्यूट अपर्चर दीज आर द माइन्यूट अपरचर प्रेजेंट ऑन द कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट ऑन द ओके अपर इपिडमिस और लोअर इपिडमिस बट टोमाटा आर मोर नंबर ऑन द लोअर इपिडमिस क्योंकि ये जो पत्ता है इस पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है तो अपर इपिडेमिस तो टोमाटा ज्यादा रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट तो ज्यादा होगा बट दे आर प्रेजेंट मोर इन नंबर ऑन द लोअर इपिडरमिस

सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल स्टोमा किसने सराउंडेड किया है इट इज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल तो स्टोमाटा के अगल बगल में क्या प्रेजेंट है सब्सिडरी सेल इसको हम लोग क्या बोलेंगे सब्सिडरी सेल स्टोमाटा इज गार्डेड बाय स्पेशलाइज सेल दिस स्पेशलाइज सेल इज कॉल्ड एज अ गार्ड सेल क्या बोलते हम लोग इसको गार्ड सेल

क्या इसमें न्यूक्लियस नाउ इन द स्टोमाटा अकॉर्डिंग टू द गार्ड सेल द स्टोमाटा आर टू टाइप्स हैविंग मॉडिफाइड गार्ड सेल दिस मॉडिफाइड गार्ड सेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस गार्ड सेल द स्टोमाटा आर टू टाइप्स किडनी शेप स्टोमाटा डनी शेप टोमाटा एंड डम्बेलशिप्स टोमाटा लेबलिंग हटा देता है यहां से ओके किडनी शेप एंड डेप तो डिप्स टोमाटा आपको दिखाता हूं यहां पर क्या नाम देना है गार्ड सेल ओके सुनाओ किडनी ऑन द बेसिस ऑफ द गार्ड सेल यहां परिपीट स्टोमाटा आर द माइन्यूट ओपनिंग ऑर अपर प्रेजेंट ऑन दरमिस

दिस डम्बेल टोमाटा इसको क्या बोलेंगे हम लोग डम्बेल डम्बेलशेप टोमाटा नाउ किडनी शेप्स टोमाटा एंड डम्बेल शेप्स टोमाटा किडनी शेप्स टोमाटा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड्स है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड्स टोमाटा टू टाइप्स किडनी शेप्स टोमाटा एंड डमबेलशिप्स टोमाटा किडनी टोमाटा प्रेजेंट इन द डायकॉट प्लांट किसमें पाया जाता है ये डायकॉट में एंड डम्बेलशिप्स टोमाटा फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स किसमें में पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट्स ओके तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टोमाटा इट हेल्प इन अ रेस्पिरेशन इन द प्लांट ओके हो गया आपका इपिटर्मल आउटग्रोथ Now, next one हम लोग ने देखा था ग्राउंड टिश्यू तो ये मैं कट कर देता हूं so, 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 प्रेजेंट है इनर साइड ये इपिड यहां पर दे आर प्रेज इन इनर साइड ये जो अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं पहली सेट दीज आर द स्पजी टिश्यू दीज आर द

टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर देर कितने टाइप्स के थ्री पहले हम लोग देखते रेडियल वेस्कुलर बंडल्स फर्स्ट टाइप इज अ रेडियल वेस्क्यूलर बंडल देर आर थ्री टाइप्स कितना टाइप है उसका थ्री टाइप्स तो पहला है रेडियल वेस्क्यूलर बंडल्स

प्लांट के डायग्राम में सो देर इज अलम एंड फ्लोएम यहां पर आपको ब्लू में दिखाता हूं मैं आपको दीज आर दीज आर द ब्लू कलर में आपको क्या दिख रहा है झायलम ओके okay. और फ्लोएम फूड का कलर मैं दिखाता हूं यहां पे चलो येलो दिखाता हूं फ्लो एम सो नाउ इन रेडियल वेस्कुलर बंडल्स द्लोएम प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट रेडिया दे आर प्रेजेंट सेटली ऑन डिफरेंट रेडिया ओके तो ये वो आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल्स तो पहले माइ क्वेश्चन इज वॉट इज वैस्क्यूलर बंडल्स मैंने टाइप्स ऑफ को बताया फर्स्ट टाइम व्हाट इज द वैस्क्यूलर बंडल्स वेस्क्यूलर बंडल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग पैचिस ओके डिस्टिंग पैचेस तो वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू कौन से है बोलेंगे हम लोग वॉट इज मीन बाय वेस्क्यूलर बंडल वॉट इज मीन बाय वैस्क्यूलर बंडल द वैस्क्यूलर टिश्यू ऑकर इन डिफरेंट पैचिस पैचिस इज कॉल्ड वैस्क्यूलर बंडल

सेम रेडियस सेम रेडियस या रेडा है कहां तो पर प्रेजेंट है सेम रेडियस एक ही रेडियस में प्रेजेंट है कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल्स सो नाउ दिस कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल्स आर ऑल्सो हाउ मेनी टाइप्स टू टाइप्स मीन थ्री टाइप्स लेता हूं मैं यहां पर टू टाइप्स में देता हूं थ्री देता हूं आपके बुक में दो दिया होगा मैं तीन देता हूं यहां पे तो पहला है फर्स्ट पहला है कंच कोलेट्रल एंड ओपन टाइप सेकंड है कंच collateral and close type and third type a bicolateral 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 vascular bundles bicolateral vascular bundles तो पहले हम लोग तीन टाइप्स देखो कंजॉइन वेस्कुलर बंडल में देर आर थ्री टाइप्स ओके okay? कंजॉइन कोलेटरल एंड ओपन टाइप इन कंजॉइन कोलेटरल एंड ओपन टाइप इन ओपन टाइप दीज आर वेस्कुलर बंडल्स इन दिस टाइप ओके जाइलम एंड फ्लोएम फ्लोएम दीज आर द फ्लोएम अभी फ्लोएम को अलग कलर देता हूं फ्लो एम नाउ दीज आर द फ्लो एम ओके नाउ ही आर मैप को दिखाता हूं दीज आर द ब्लू कलर में

So now, in this type, these are the phloem, these are the xylem.

एंड सच काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम किसमें पाया जाता है मोनोकॉट स्टेम अभी थर्ड देखते हैं हम लोग बाइकोलैट्रल वैस्कुलर बंडल बाइकोलैट्रल वैस्कुलर बंडल सो तो इन बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल तो ओके मैं यहां पर वापस वही कलर यूज करता हूं इन बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देर इज द टू डिस्टिंक पैचेस ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट आउट साइड एंड इनर साइड दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है दोनों तरफ प्रेजेंट है ओके okay? तो बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है साइलम बहुत बड़ा हो गया हम एक मिनट सो इन बाइकोलैट्रल द टू पैचेस ऑफ फ्लोएम्स आर प्रेजेंट कितने पैचेस है फ्लोएम के टू ओके सो दीज आर द फ्लोएम आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम and in between phloem there is a xylem is present Cap present a xylem and here the phloem patches are separated by the cambium layer in at the both the side both the side may present a cambium layer both the side may present a cambium so such kind of vascular bundle is called as a bicolateral vascular bundle and this type of vascular bundle found in cucurubita.

बाइकोलाइट्रल वैस्कुलर बंडल क्या बोलते हैं बाइकोलाइट्रल वैस्कुलर बंडल्स ये हो गया आपका कंजॉइन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल नाउ द लास्ट वन इज कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट द लास्ट वन इज कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल ओके तो यहां पे लिखता हूं मैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स सो इन कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स इन विच वन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू आइलम और फ्लोएम इज सराउंडेड टू द अदर मीन्स आइर झायलम सराउंडेड रहेगा फ्लोएम को या फ्लोएम सराउंडेड रहेगा झायलम को सो दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, द फर्स्ट टाइप इज अड्रोसेंट्रिक पहला कौन सा है हाइड्रोसेंट्रिक तो यहां पर ध्यान दो हाइड्रो सेंट्रिक सुनाइ्रोसेंट्रिकायलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द फ्लोएएम यहां पर झायलम जो है ओके नाउ दीजा तो झायलम इज कंप्लीटली सराउंडेड विथ द फ्लोएम कैसे सराउंडेड है

यहां पे बीच में क्या रहेगा फ्लोएम ओके और उसको आउटसाइड किससे कवर करे करेगा ये जाइलम। आर द

While in leptocentric, in leptocentric, क्या दिख रहा है तो ये आपका टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम के हम लोग ने बाद में क्या लेगा okay? इतना काफी है बाय केयर